सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड नमस्कार। आज हम देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट में थर्मोडायनेमिक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है? दरअसल यहाँ पे क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में एक केटायन, ठीक है, एक केटायन मतलब पॉजिटिव आयन वाला जो ये आयनिक क्रिस्टल है, तो ये केटायन क्या करता है किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में, जैसे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, केटायन एनायन के बीच में जो स्पेस है इसको हम अंतरकाशीय स्थान कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। यहाँ का जो नेगेटिव 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 के बीच में क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव आयन कहाँ मूव कर गया, किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव कर गया। तो इस तरह का डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है, इसको मैं रेड कलर से दिखाया आपको, ठीक है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसका एग्जांपल है एजीसीएल क्रिस्टल। अब मान के चलो फ्रैंकल डिफेक्ट में इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, पहले देखो सब सारे के सारे एटम्स जो है अरेंज थे, मतलब AgI, देखो यहाँ पे क्लोरीन AgCl माने तो क्लोरीन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्लोरीन को हम नहीं लेंगे, केवल Ag में परिवर्तन हो रहा है सिल्वर में, ठीक है। सिल्वर की ही बात करेंगे, सिल्वर के बारे में ही हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे केवल रिएक्शन के पहले, मतलब डिफेक्ट आने से पहले क्या होगा, Ag+ जितना था उतना था, है ना, Ag इन क्रिस्टलैटिक्स जितना था उतना था, Vi वैकेंसी यहाँ पे या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस जितना था उतना था, ठीक है। तो हम पहले ये रख देते हैं कि जो पहले की स्थिति है, बाद में जब वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है तो Ag कहाँ चला जाता है, वैकेंट स्थानों में चला जाता है। तो VAg हो गया यहाँ पे प्लस Ag+ I, VAg मतलब Ag के जाने के कारण जो वैकेंसी उत्पन्न हुआ, प्लस AgI मतलब Ag इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया, वैकेंसी हो गया, और ये Ag जहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस है उसकी संख्या हो गई, ठीक है जी। चलो अब इसको अगर हम इक्विलिब्रियम में लें तो ये रिएक्शन में रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, समान मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम देखें तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है ना, VAg और एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, और ये AgI इसका एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह से नीचे में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट Ag+ और VI जो कि आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है कि जो Ag वैकेंसी उत्पन्न किया है उसको हम क्या शो करते हैं, स्मॉल n से शो करते हैं, ठीक है। मतलब VAg और Ag+ I क्या होगा, दोनों बराबर होगा, एक Ag इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया तो एक वैकेंसी उत्पन्न हुआ और एक ही गया है, तो दोनों का मान तो एक ही आएगा, है ना जी, एक एक ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब Ag+ I कितना बचा है, ये टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट कितना है, n है। अब मान के चलो उसमें से n घट गया, स्मॉल n घट गया, तो बचा कितना है, Ag+ जो बचा है वो है n-n। मतलब अगर दो चला गया तो जो के टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट में Ag है उसमें से हम क्या कर देंगे, दो घटा देंगे, ठीक है। और एक चीज, वैकेंसी ये इंटरस्टिशियल स्पेस को दिखाता है, टोटल स्पेस को दिखाता है कितना था, तो उसको भी हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कांस्टेंट क्या दिखाता है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए, अगर AgCl की बात करें तो AgCl के लिए x की वैल्यू 2 होती है, पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए x की वैल्यू अलग अलग होगी। x एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है जो हर क्रिस्टल के लिए अलग अलग होता है, मतलब उसका इंटरस्टिशियल साइट से रिलेटेड होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट से रिलेटेड होता है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट जो है वहाँ पे हम इन सारी वैल्यू को रखते हैं तो हमको मिलता है के इक्विलिब्रियम Ag+ n, ऊपर में क्या था, VAg और AgI दोनों का वैल्यू क्या है, n है, इसका भी वैल्यू, इसका भी स्मॉल n, Ag+ बचा हुआ जो Ag+ है शिफ्ट होने के बाद या मूव करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल n-1। अब VI जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये फिक्स हो, आपका टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट के
इनटू में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बराबर होता है। ये हमारा फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम है वो बन गया। अब स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये एन जो है वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एक्स है। यहाँ का एन कहाँ गया, यहाँ का एन जो है आपको ये मानना पड़ेगा कि कैपिटल एन बहुत बड़ा है किससे, स्मॉल एन से। तो हम यहाँ पे स्मॉल एन को नेगलेक्ट कर देते हैं, स्मॉल एन को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान के चलो ये 100,000 लेटिक्स है, उसमें से अगर दो डिनोमिनेटर में है ना जी, ये डिनोमिनेटर में है, मतलब इसको हम क्या करते हैं, अगर 100,000 या 10,000 लेटिक्स में एक दो मिसिंग भी हुआ तो वो कोई काफ़ी इफेक्टिव नंबर नहीं होता, इसलिए डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, किसको, स्मॉल एन को। तो हमने यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला है वो क्या मिला है, एन स्क्वायर इजिकल टू एक्स एन स्क्वायर के जी, के जी जो था ये कुछ इस तरह से था, के ई जी इजिकल टू था हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स, ये बचा था। इसमें से अगर हम शिफ्ट कराएं, इसको इधर शिफ्ट कराएं, तो एन का वैल्यू मिल जाएगा। ये एन स्क्वायर एक्स को हम इधर शिफ्ट करा दिए, ये एक्स कोई मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ स्क्वायर हटा दिए तो ये रूट में आ गया, रूट में आ गया मतलब यहाँ पे एन स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, बाकी अंदर में ही रहेगा, ठीक है, रूट के अंदर में ही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। अब चेंज इन फ्री एनर्जी देखें, चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी एन एन के इक्विलिब्रियम, एल एन के निकालते हैं, नेचुरल लॉग है, तो क्या हो जाता है, डेल जी ए आर टी इधर शिफ्ट हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, डेल जी अपॉन आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे एल एन हटाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल मिलता है, और जो टर्म यहाँ पे है वो क्या आ जाएगा, घात में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस ए जी अपॉन आर टी, ये आपका स्क्वायर घात में आ गया, ठीक है, रूट में आ गया, सॉरी। हम जानते हैं कि डेल जी इजिकल टू क्या हो जाता है, डेल एच अप माइनस टी डेल एस, ये थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट रूल से आपका डिराइव हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी है ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तब इक्वेशन थ्री क्या हो जाएगा, डेल जी की जगह पे डेल एच माइनस टी डेल एस, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा है, सेम आपको करते जाना है। यहाँ का टर्म जो है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट में हमने जो पढ़ा है बस वैसा ही है, के जी इजिकल टू एक्सपोनेंशियल, अब इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं तो डेल एच अपन आर टी ये हो गया, प्लस टी डेल एस अपन आर टी, तो टी और टी कट गया तो यहाँ बचा क्या, डेल एस अपन आर। अब ये टी और टी कहाँ गया, मतलब कट गया ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि एस बाई आर कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी चेंज तो हो नहीं रहा, क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट हो रहा है, अगर उसका एक ए जी आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में जा भी रहा है तो उसमें एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, बाहरी इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, जितने आयन उसमें थे उतने ही आयन अभी भी है, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं के ई जी इजिकल टू क्या हो गया, एस आर को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि रिडरबर्ग कांस्टेंट, ये भी गैस कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन आर टी प्लस कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का सामने आ जाता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल के सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर में रहता है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रहा आपका कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे आ गया के जी आई, क्वेश्चन नंबर फोर मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप जो है बताना। अब इक्वेशन फोर था, इक्वेशन टू जो सबसे पहले हम स्मॉल एन की वैल्यू निकाले थे, उसके जगह पे हम के ई जी का मान रख देते हैं, एक्स इंटू के ई जी था, के ई जी का मान ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसको अगर हम रख देते हैं, अब रूट हटाते हैं तो क्या होता है, सब जगह हाफ 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 आता है, एक्स में भी हाफ आ जाएगा, कॉन्स्टेंट में भी हाफ आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो कॉन्स्टेंट का हाफ तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा, एक्स का हाफ बचा रहेगा, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन यहीं से आ जाता है। अब ये जो 1/2 है तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आर टी हो जाएगा,
डेलेज के साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा, आरटी के साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन जो होगा इस तरह से होगा। देखो एन इज इक्वल टू एन कॉन्स्टेंट, एक्स का हाफ, एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये आपका जो स्पेसिफिक क्रिस्टल लिए हैं, जैसे हमने ए जी सी एल की बात करी, अगर हम ए जी बी आर की बात करेंगे तो उसके क्रिस्टल में स्पेस लेटिक्स जो होगा वो कितना होगा, उसके एक्स फैक्टर या फिर इसको कॉन्स्टेंट फैक्टर कहते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो ये वैल्यू है, डिपेंड करता है ना, ये वाला वैल्यू है, मतलब कह सकते हो कि ए जी बी आर में इंटरस्टिशियल साइट की संख्या को बताता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट क्रिस्टल के लिए ये वैल्यू अलग अलग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। एक्सपोनेंशियल डेलेज अपॉन टू आर टी विथ नेगेटिव साइन, ये क्या हो गया, फाइनल डेरिवेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिक ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है और ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, थर्मोडाइनेमिक ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं।